पहाड़ी पठान के घर पे रखोगे तो मेहमान नवाजी के लिए तो पठान आएगा ही और साथ में पटाखे भी लाएगा। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं अमर अंसारी आप सभी लोगों का एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? गाइस कुर्सियों की पेटियां एक बार फिर से बांध लीजिए क्योंकि मौसम फिर से बिगड़ने वाला है। वेल फ्रेंड्स योर गेस इज एज गुड एज माइन। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं शाहरुख खान की फिल्म पठान वन नहीं पठान द्वितीय के बारे में। तो गाइस सबसे पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं कि एग्जैक्टली पठान के साथ क्या हुआ था। सो गाइस पठान में जितने भी डायलॉग्स आप सभी लोगों ने सुने थे एंड वो सारे के सारे डायलॉग्स अमर हो गए। कुर्सियों की पेटियां बांध लीजिए, फिर पठान के घर पार्टी रखोगे वो वाला डायलॉग, एक सोल्जर ये नहीं सोचता वो वाला डायलॉग, सारे के सारे इंक्लूडिंग जॉन अब्राहम के जो डायलॉग्स थे वो सारे के सारे सुपर्बली रिटन थे एंड उन सबको लिखा था अब्बास टायर वाला। अब्बास टायर वाला ने डायलॉग लिखे थे। फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है वो गाइस यहाँ पर श्रीधर राघवन ने लिखा था एंड कहानी जो थी फिल्म की वो सिद्धार्थ आनंद की थी। यहाँ तक समझ में आया अभी आप लोगों को? सो गाइस अब जो डायलॉग राइटर है अब्बास टायर वाला, उनका एक वीडियो है यानी कि इंटरव्यू है वीजे साइरस ब्रोचा, जो एक समय पे एमटीवी पे बहुत बड़े वीजे हुआ करते थे। तो अब जैसे सभी लोग अपना पॉडकास्ट चला रहे हैं तो साइरस भी अपना पॉडकास्ट जो है फिलहाल अभी चला रहा है, जिसपे अब्बास टायर वाला ने बहुत बड़े बड़े चीजों की जो है खुलासे किए। तो भैया आज के एपिसोड में पठान का तो तोहफा मिलेगा ही, साथ में किंग का भी तोहफा मिलेगा आप सभी लोगों को। शुरुआत करते हैं गाइज यहाँ पर शाहरुख खान की फिल्म किंग के साथ। सभी लोगों को पता है किंग की शूटिंग गाइज अब अगले साल जो है यहाँ पे शुरू होने वाली है एंड वो फिल्म गाइज 2026 जो है उसके ईद में रिलीज होने वाली है। ये गाइज मैंने आपको बात बता दी है, स्टारकास्ट सब पता है आपको, प्रोड्यूसर कौन है, डायरेक्टर कौन है, सब आपको पता है। तो गाइज अब यहाँ पर अब्बास टायर वाला कहता है कि मैंने फिल्म किंग जो है यानी कि शाहरुख खान उसका फर्स्ट डायलॉग का ड्राफ्ट जो है वो खत्म कर दिया है। तो गाइज बहुत बड़ी अपडेट है, जो डायलॉग्स है किंग फिल्म के वो अब्बास टायर वाला लिखने वाला है। अब्बास टायर वाला कोई नया आदमी नहीं है इंडस्ट्री में, बहुत वक्त से है। इमरान खान की फिल्म जाने तो जाने ना को डायरेक्ट भी किया है एंड इसके पहले वॉर एंड पठान एंड बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों के डायलॉग्स अब्बास टायर वाला ने लिख लिया है एंड ही इज वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद शाहरुख खान ओवर हियर। तो गाइस किंग का जो फर्स्ट डायलॉग ड्राफ्ट है वो खत्म हो चुका है, लेकिन द बिगेस्ट ब्रेकिंग न्यूज इज दैट जितने लोग बोल रहे थे कि 1000 करोड़ हो गया, पठान 2 क्यों नहीं बन रही है, आदित्य चोपड़ा पठान क्यों नहीं बना रहा है, ये उन सब की बोलतियां बंद होगी जब पठान 2 फ्लोर्स पर जाएगी। द नेक्स्ट फिल्म शाहरुख खान विल डू आफ्टर किंग इज पठान 2। लिटरली बोल रहा हूँ, शाहरुख खान वो इंसान है जिसकी उंगली कभी मत करना, क्योंकि वापस वो बॉक्स ऑफिस पे जब आएगा ना तो जितने रिकॉर्ड बंद रहे ना ये सब तोड़ गया। तो ये इंतजार करो, जस्ट अ रेस्टिंग फेस। द किंग व्हेन ही रिटर्न्स एट द बॉक्स ऑफिस With King will obviously break records, लेकिन पठान 2 एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित करके जाएगी जो कोई सोचा नहीं होगा। तो गाइस यहाँ पर अब्बास टायर वाला जो है वो कहता है कि पठान 2 इज स्केड्यूल्ड नंबर 1, द स्क्रिप्ट इज रेडी फॉर डायलॉग्स, यानी कि फिल्म की स्क्रिप्ट डायलॉग ड्राफ्ट के लिए जो है वो तैयार हो चुकी है एंड वो उम्मीद कर रहा है कि आदित्य चोपड़ा इस बार भी डायलॉग्स जो है वो उसको लिखने के लिए दे। तो गाइस श्रीधर राघवन ऑब्वियसली एसोसिएटेड पठान 2 के साथ। स्टोरी जो है अब पठान 2 की वो किसकी होगी? क्यों? क्योंकि सिद्धार्थ आनंद पठान 2 नहीं बनाने वाला है। सिद्धार्थ आनंद तो यशराज से गया ही गया, साथ में पठान पे, पठान 1 एंड 2 ध्यान से सुन एपिसोड में, साथ में पठान 1 में रोहन खंबाटी जो था जो कि उसका एसोसिएट था डायरेक्टर एक्शन का, यशराज के बहुत फिल्मों में रोहन खंबाटी वाज देयर ओवर देयर, वीएफएक्स प्लेट्स के लिए भी उनके जो सुपरवाइजर्स हैं उनके साथ वो जाया करता है, तो रोहन खंबाटी को भी मारफ्लिक्स ले गया है वो एंड रोहन खंबाटी विल डायरेक्ट अ फिल्म फॉर सिद्धार्थ आनंद नाउ इन मारफ्लिक्स। तो समझ रहे हो सिद्धार्थ आनंद कोई भी तरीके से पठान 2 का एसोसिएटेड नहीं होने वाला है। तो अब देखने लायक ये रहेगा कि पठान 2 की कहानी किसने लिखी है, क्योंकि स्क्रीन प्ले स्क्रिप्ट जो है इस पिक्चर की वो रेडी है एंड इट इज गोइंग फॉर डायलॉग ड्राफ्ट ओवर हियर। तो ये देखने लायक रहेगा कि इस बार स्टोरी जो है किसकी रहती है, लेकिन फिलहाल अब्बास टायर ने कहा है कि पठान 2 की जो स्क्रिप्ट है वो डायलॉग्स के लिए आ चुकी है, यानी कि डेफिनेटली किंग के बाद शाहरुख खान पठान 2 की शूटिंग जो है वो शुरू करने वाला है। तो भैया यशराज में तैयारियां हो गई भाई पठान 2 बनाने के लिए। पठान वॉज वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म, इसका जो भी जो बोलना है जो करना है करो। फॉर मी द प्रोसेस विच टुक फॉर मेकिंग पठान बस आउटस्टैंडिंग। इतना ही नहीं, उसने और बड़ी बड़ी बातें भी बोली है। उसने ये भी कहा कि वॉर 2 के डायलॉग्स जो है
वो भी अब्बास टायर वाला लिख रहे हैं एंड वॉर टू फिलहाल शूटिंग में चल रही है। तो अब्बास टायर वाला भैया आदित्य तो चोपड़ा ये देखेंगे तो खुश नहीं होंगे भाई। लेकिन ऑल सर इंडा ज्यादा कोई रिवील नहीं किया है एंड उसे सारी सारी चीजें जो है यहाँ पर बता दिए। तो गाइस किंग के डायलॉग लिख चुके हैं, ऑब्वियसली फिल्म प्री प्रोडक्शन में है एंड ये सारे सारे अपडेट्स जो है अब्बास टायर वाला ने दिए हैं, आप लोग सोशल मीडिया पर जाकर चेक कर सकते हो। ओके गाइस एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में बताइए, कितने एक्साइटेड है आप पठान 2 के लिए। गाइस आई फेल्ट कि रादर देन डूइंग किंग, ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है, मुझे नहीं पता बाकी लोग क्या सोचते हैं, मुझे ऐसा लगता था कि किंग न करते हुए शाहरुख खान को पठान 2 एंड जवान 2 ये दोनों फिल्में करनी थी। लेकिन शाहरुख खान उनका अलग एक थॉट प्रोसेस है, दिमाग में किस तरह से वो काम करना चाहते हैं एंड आई थिंक ही नोज बेटर देन ऑल ऑफ अस। एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।